सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों, टीम इंडिया की जीत की खुशी के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। दूसरे T20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। तीन देशों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत के सामने जीत के लिए 140 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से लिटल अंदास ने 34 और सब्बीर रहमान ने 30 रन की पारी खेली। भारत के लिए जयदेव उनादकट ने 3 और विजय शंकर ने 2 विकेट झटके। भारतीय पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआत में ही कप्तान रोहित शर्मा 17 और ऋषभ पंत 7 के विकेट गिरे। इसके बाद सुरेश रैना 28 और शिखर धवन 55 ने भी अपना विकेट खो दिया। मनीष पांडे और दिनेश कार्तिक भारत को जीत तक लेकर गए। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले मैच में मिली हार से सबक लेते हुए भारतीय क्रिकेट टीम T20 ट्राई सीरीज निधास ट्रॉफी टूर्नामेंट में गुरुवार को खेले जाने वाले अपने दूसरे मैच में मजबूत इरादों के साथ बांग्लादेश के खिलाफ उतरी। भारत ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है। इस मैच में भारत ने काफी खराब फील्डिंग की और कई कैच छोड़े। बांग्लादेश को पहला झटका सौम्य सरकार के रूप में लगा, जो महज 14 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसके बाद टीम को दूसरा झटका तमीम इकबाल के रूप में लगा, जो महज 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मुशफिकुर रहीम और लिटनदास ने स्कोर को 67 रन तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद मुशफिकुर रहीम भी 18 आउट हो गए। हालांकि भारत ने कई अच्छे मौके खोए, जिसकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कई बार जीवनदान मिला। खराब फील्डिंग के बीच बांग्लादेश ने अपना 4th विकेट महमूदुल्ला 1 के रूप में खोया। इससे पहले भारत को अपने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका के लिए इस मैच में कुशल परेरा ने सबसे अधिक 66 रन बनाए। उन्होंने 37 गेंदों का सामना करते हुए यह स्कोर बनाया। उनकी बदौलत मेजबान टीम ने जीत का स्वाद चखा। कुशल ने पावर प्ले के दौरान ही टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, टीम इंडिया की जीत की खुशी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।